भाई भले ही चनों को किसी ने भी निकाला हो और चाहे जो भी किचन में सॉरी सॉरी चाहे जो भी रसोड़े में हो कौन हम था? तो आज बात करेंगे कुकर में से निकाले गए उन बेचारे चनों की। जी हाँ, उन्हीं चनों की जिनके निकालने से इतना सारा कांड हुआ है। और कांड तो होना ही था, अगर कोई खाली कुकर को गैस पे रखता है तो कांड तो होना ही। अब पूरे देश में जिन चनों की चर्चा हो रही है, क्या आपको पता है असल में चने आए कहाँ से हैं? दरअसल दक्षिण पूर्व टर्की में इस चनों की उत्पत्ति हुई है और तकरीबन 5020 साल पहले ये चने हमारे देश में आए हैं, जिसका शास्त्रीय नाम है साइसर एरियाटिनम। अरे रुकिए रुकिए, ये नाम आपको ध्यान में रहे या ना रहे, चनों का तो कांड याद रहेगा ही ना। अब देखिए ना, हमारे देश में इतना उत्पादन होता है चनों का, लेकिन ये आए कहाँ से? तुर्की से। हमारे देश में ना इन चनों की दो वैरायटीज़ है, एक है जिसे हम देसी चना कहते हैं, जो ज़रा सा ब्राउन रफ कोट वाला और साइज़ में छोटा होता है, और दूसरा है ये काबुली चना, जो कि कलर में लाइट स्मूथ कोट वाला और साइज़ में इन देसी चनों से थोड़ा सा बड़ा होता है। लेकिन क्या आपको पता है काबुली चनों की उत्पत्ति कहाँ हुई है? इन काबुली चनों की उत्पत्ति अफगानिस्तान में हुई है और लगभग 18वीं सदी में ये हमारे हिंदुस्तान में आए। देखिए ना, जिन चनों को कुकर में से निकाला गया, दरअसल उन चनों ने इतना लंबा सफ़र किया है। और इंसानों ने जब खेती करनी शुरू की थी तो यही चने पहले अनाज फलियों में से एक थे, और अब ये चने तो हमारे खाने का एक महत्वपूर्ण घटक बन गए हैं। अब देखिए ना, क्या क्या नहीं बनता इन चनों से। चनों से तैयार की जाती है चना दाल, उसे पीसकर बनाते हैं हम बेसन, और इनका उपयोग कर हम कितने सारे बेस्टम बेस्ट व्यंजन बनाते हैं, जैसे कि गुजरात का फेमस ढोकला फाफड़ा हो, पंजाब के छोले भटूरे हो, महाराष्ट्र की पूरन पोली और पिठला भाकरी हो, मैसूर की मैसूर वड़ी हो, या फिर किसी डिश को स्पेशल बनाने के लिए इस्तेमाल की गई सेव हो, या फिर हमारी चाय के साथ बनाए गए गर्मा गर्म पकौड़े हो। भाई आपके सामने तो कितने सारे व्यंजन आए होंगे जिनमें चनों का इस्तेमाल होता ही होता है। और यही नहीं, उसकी ताज़ी पत्तियों और सूखी पत्तियों को भी अलग अलग मौसम में हम सब्जी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुझे तो लगता है चनों में व्यंजनों का खजाना ही छुपा हो, और हर कोई इसे अपने अंदाज के साथ उसे अपना एक स्पेशल टच देता है। अभी से तो मैंने व्यंजनों का खजाना कहा है, क्योंकि इससे मिलने वाले न्यूट्रिशन भी कहा कुछ कम है। तो इन लाजवाब चनों का ऐसा ही आनंद लेते रहिए, और कृपया आइंदा से इन चनों को कुकर में से मत निकालिए। अब एक बात बोलूँ, पूरे देश में एक ट्रेंडिंग वीडियो है जिसको मैंने आज एक अलग अंदाज से देखने के लिए वीडियो बनाया है। इसे अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।